पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर यानी पानी की बोतल कहे या फिर बिस्लरी, एक ही बात है ना। और रमेश चौहान जी वो रीजन है जिनकी वजह से दुनिया भर में बिस्लरी बॉटल्ड वाटर कंपनीज में टॉप पर आती है और बिस्लरी का टर्नओवर 2500 करोड़ रुपीस है। और आज बिस्लरी के चेयरपर्सन अपनी 7000 करोड़ की कंपनी के लिए एक नया बायर ढूंढ रहे हैं क्योंकि उनकी बेटी जयंती चौहान ने कंपनी टेक ओवर करने से इनकार कर दिया है। आइए जानते हैं इसके पीछे के मुख्य कारण क्या है। जयंती ने 24 साल की उम्र में बिस्तरी के ऑपरेशन संभाले और शुरुआत में उन्हें दिल्ली ऑफिस की कमान सौंपी गई। कुछ समय बाद उन्होंने टीम बिल्डिंग में अच्छे बदलाव किए लेकिन उन्हें दिल्ली में काम करना बोरिंग लगा। जयंती ने बिस्तरी के साथ उनके कुछ फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स जैसे कि वेदिका मिनरल वाटर और फिजी फ्रूट ड्रिंक्स के ऑपरेशंस को संभाला। जयंती का मानना है उनका मेजर इंटरेस्ट इज इन द एरिया ऑफ डिजिटल मार्केटिंग और वो अब अपनी पसंद का बिजनेस करने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। दोस्तों आपको ये क्या लगता है कि क्या ये डिसीजन सही है या गलत?